ये छात्रों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम इकाई 2 अध्याय 3 में प्रबंध के सिद्धांतों का हम अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि पूर्व में बताया, प्रबंध के सिद्धांत दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर। हेनरी फ्योल के सिद्धांत थे जो सामान्य प्रबंध के सिद्धांत थे, वहीं एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित किया गया था। एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा जिन वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांतों का अध्ययन किया गया था, उनको हम पूर्व में देख चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीकें हैं या जो तत्व हैं जो एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा विकसित किए गए थे, हम उनका इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। साथ ही तकनीकी और तत्व के अंतर्गत समय अध्ययन एवं गति अध्ययन क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ और वैज्ञानिक प्रबंध की हानियां क्या हैं, इनका भी हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। वहीं पर एफ डब्ल्यू टेलर और फ्योल के जो सिद्धांत हैं, जो उनके विचार हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, इनके बारे में आज हम इस अध्याय के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सब सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी या तत्वों का उनके द्वारा वर्णन किया गया है, उनका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में जिन तकनीकों की व्याख्या की गई है, वो सर्वप्रथम है, नंबर एक है पारस्परिक सहयोग अथवा मानसिक क्रांति। पारस्परिक सहयोग एवं मानसिक क्रांति जो है, बिना मानसिक क्रांति के वैज्ञानिक प्रबंध की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि प्रबंध और श्रम के बीच में पारस्परिक सहयोग की भावना होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों के बीच में आपसी संदेह, विद्वेष या किसी भी प्रकार की वैमनस्यता यदि होती है, तो वैज्ञानिक प्रबंध की जो योजना, जो प्रारूप तैयार किया गया है, वो विफल हो सकती है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण अक्सर जो होता है वो है श्रमिकों के द्वारा कम कार्य करके अधिक मजदूरी चाहना। स्वाभाविक है कि श्रमिक जो है वो कम से कम कार्य करना चाहता है और अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहता है, ठीक। जबकि प्रबंध, मैनेजमेंट, अक्सर ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट या प्रबंध जो है श्रमिक से ज़्यादा कार्य लेना चाहता है और उनको मजदूरी कम से कम देना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो संघर्ष है, ये दोनों के बीच में अक्सर चलता रहता है। तो इसके लिए क्या उपाय, इसके लिए जरूरी है कि इसको दूर करने के लिए एक मानसिक क्रांति लाने पर बल दिया जाए, ताकि दोनों के आपसी संबंध सुधर सकें और अधिक कुशलता से उत्पादन के साथ जो भी अतिरिक्त या लाभ होता है, उसका बंटवारा दोनों पक्षों में उचित रूप से किया जाए। यहाँ पर देखेंगे हम कि इसके अतिरिक्त का विभाजन की ओर ध्यान न देकर अतिरिक्त या लाभ के आकार को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात लाभ की ओर ध्यान न देकर हमें अधिकतम उत्पादन की ओर ध्यान देना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जब अधिकतम उत्पादन होगा, अतिरिक्त अधिक प्राप्त होगा, लाभ बड़ा होगा, तो दोनों पक्षों को बराबर बराबर संतोषजनक हिस्सा प्राप्त होगा और इससे जो है दोनों में असंतोष भी खत्म होगा। तो इनका जो पहली टेक्निक है, तकनीक है, कि श्रमिक और प्रबंध के बीच में पारस्परिक सहयोग की भावना होनी चाहिए। दूसरा बिंदु इनके द्वारा जो है प्रमापित कार्य का निर्धारण। प्रमापित कार्य से यहाँ पर तात्पर्य है कि श्रमिक के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो कराया जा रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसका एक निर्धारित मापदंड किया जाए। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत व्यवसायिक क्रियाओं के प्रत्येक पहलू के लिए पहले से ही प्रमाप का निर्धारण करना आवश्यक है। इससे आशा है मशीनें,
विधियां एवं प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादकता को अधिकतम से अधिकतम करने से है। उनके अनुसार कार्य के लिए निम्न क्षेत्रों में प्रमापीकरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने चार प्रकार से प्रमापीकरण की प्रक्रिया को बांटा है। सर्वप्रथम कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत, दूसरा समय अध्ययन के अंतर्गत, तीसरा गति अध्ययन के अंतर्गत और चौथा थकान अध्ययन के अंतर्गत। सर्वप्रथम हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कार्यविधि अध्ययन का। तो यहाँ पर उत्पादन किस विधि से किया जाए कि समय, लागत और अपव्यय कम से कम हो, इसके लिए जो कार्य करने की विधि है उसका अध्ययन कर कार्य के प्रमाप स्थापित किए जाएं। उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में क्या क्या किया जाता है इसका पता लगाकर उसकी कमियां जो हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। तो कार्यविधि में सुधार की संभावना होने पर अनावश्यक कार्यों को समाप्त करने और नए कार्यों को प्रारंभ करने पर भी विचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम कार्यविधि का अध्ययन करते हैं और कार्य के प्रमापों को निर्धारित करते हैं। अगले क्रम में समय अध्ययन। समय अध्ययन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि कारखाना की प्रत्येक कार्यवाही को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और ये देखा जाता है कि कर्मचारी औसत रूप से एक कार्य को करने में कितना समय लेता है। इस प्रकार से कर्मचारी के कार्य का सावधानी पूर्वक प्रमापित समय ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम टुकड़ों में काम करते हैं, एक समूह में को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो यहाँ पर समूह के जो प्रत्येक कर्मचारी हैं उनके द्वारा औसत रूप से एक कार्य को कितने समय में किया जाता है इसका हम माप करते हैं। इससे ये ज्ञात होता है हमें कि श्रमिक का कार्य समय कितना है, अर्थात एक श्रमिक उस कार्य को करने में कितना समय लेता है, साथ ही कितनी कुशलता से वो उस कार्य को कर रहा है और इस प्रकार उसकी कार्य कुशलता के आधार पर उसकी मजदूरी का निर्धारण क्या हो। इसके लिए कई विधियां प्रयोग की जाती हैं, परंतु सबसे सरल विधि जो है वो स्टॉप वॉच का प्रयोग है। स्टॉप वॉच प्रयोग के अंतर्गत हम कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य का समय को माप सकते हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि श्रमिक काम को कम समय में कर रहे हैं या अधिक समय में, श्रमिक कितना मन लगाकर काम कर रहा है, साथ ही कार्य कुशलता का पता चलता है, साथ ही मजदूरी निर्धारित करने में भी हमें मदद मिलती है। अगला अध्ययन है गति अध्ययन। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि श्रमिक की कार्य की गति का अध्ययन किया जाता है। चूंकि कार्य के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि श्रमिक को अनेक प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, कार्य करते करते शरीर के अंगों को हिलाता डुलाता है। यहाँ ये पता चलता है कि श्रमिक कार्य के दौरान ऐसी कौन सी शारीरिक चेष्टाएं करता है जो कि अनावश्यक हैं, जिन्हें हम समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रमिकों की शक्ति का अपव्यय नहीं होगा, थकान कम होगी तथा वह अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि श्रमिक के द्वारा कार्य करने की स्पीड या गति क्या है, हम इसका अध्ययन यहाँ पर गति अध्ययन के द्वारा करते हैं। अगला बिंदु है थकान अध्ययन। एक श्रमिक जब लगातार कार्य करता है तो कार्य के दौरान उसको थकान भी होती है और स्वाभाविक है कि जब थकान होती है तो उसकी कार्य कुशलता पर भी फर्क या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखना कि कार्य के बीच में या कार्य के बाद श्रमिक को कब और कितना आराम मिलना चाहिए ताकि वो पुनः थकान को दूर कर काम में जुट सके। एक श्रमिक बिना किसी तनाव व थकान के कितने घंटे कार्य कर सकता है, इसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं। इसके बाद प्रेरणात्मक मजदूरी
प्रेरणात्मक मजदूरी जो है प्रोत्साहन और कर्मचारी के श्रमिक के मनोबल को बढ़ाती है। तो श्रमिक को प्रेरणात्मक मजदूरी देकर उससे पूर्ण रुचि के साथ बेहतर कार्य कराया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा कर लेता है तो उसे प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए व अतिरिक्त मजदूरी या लाभांश देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक मजदूर यदि एक निश्चित समय में निश्चित कार्य को पूरा कर लेता है तो उसको वेतन या मजदूरी के अलावा प्रोत्साहन मजदूरी जो है उसको अलग से दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि कुशल श्रमिक जो है निर्धारित समय पर कार्य को पूरा कर लेता है, अकुशल श्रमिक नहीं कर पाता, अतः कुशल श्रमिक की मजदूरी अकुशल श्रमिक से अधिक होती है। यहाँ हम देखेंगे समय अध्ययन और गति अध्ययन। समय अध्ययन में हमने देखा कि एक श्रमिक कितने समय में अपने कार्य को पूरा कर लेता है, वहीं गति अध्ययन में हम ये देखते हैं कि उसकी कार्य करने की गति या उसकी स्पीड कितनी है। मैं यहाँ पुनः बताना चाहूँगा कि समय अध्ययन के लिए जो है हम स्टाप वॉच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय अध्ययन और गति अध्ययन दोनों में क्या अंतर है। उद्देश्य, समय अध्ययन में जो है इसका उद्देश्य किसी कार्य को करने का प्रमापित समय निर्धारित करना है, मतलब कौन सा कार्य कितने समय में हो सकता है, समय अध्ययन के अंतर्गत इसको निर्धारित किया जाता है। वहीं गति अध्ययन में श्रमिक के द्वारा कार्य के बीच में ऐसी कौन सी अनावश्यक चेष्टाएं या हरकत की जाती हैं उनको हमें कम करना है। निर्धारण की बात करें यदि हम, तो समय अध्ययन में इसमें कुशल व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने का समय निर्धारित किया जाता है कि एक कुशल व्यक्ति जो है कितने समय में कार्य को पूरा कर सकता है। वहीं गति में हम देखते हैं कि इसमें अनावश्यक या व्यर्थ की जो गतिविधियां करते हैं उनको हमें समाप्त करके एक आवश्यक निर्धारित गति को हम निर्धारित कर देते हैं। मजदूरी की बात करें यदि हम, तो समय अध्ययन में कुशलता के आधार पर मजदूरी निर्धारित की जाती है, अर्थात जो कर्मचारी जितनी स्पीड से जितनी जल्दी समय से काम कुशलता के आधार पर कर लेता है उसकी मजदूरी उस हिसाब से निर्धारित की जाती है। गति में मजदूरी निर्धारण की बात लागू नहीं होती, यहाँ पर अधिक से अधिक कार्य कराने का प्रयास किया जाता है, उसकी स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कुशलता की बात करें यदि, तो समय अध्ययन में श्रमिक कार्य कुशल है या नहीं इसका पता लगाया जाता है, क्योंकि हम उनको निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य प्रदान करते हैं। गति अध्ययन में जो है इसमें श्रम की चेष्टा में कमी की जाती है, अर्थात अनावश्यक यदि कोई हरकतें करता है तो उसको कम किया जाता है। अध्ययन की बात करते हैं, समय अध्ययन जो है पहले करते हैं, कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो हम पहले समय का अध्ययन करते हैं कि वो कर्मचारी कितने समय में काम कर रहा है। उसके बाद गति अध्ययन का अध्ययन जो है समय अध्ययन के पश्चात किया जाता है। यहाँ पर जो है वॉच हम किस प्रकार से करेंगे, समय अध्ययन को गति अध्ययन को, तो यहाँ स्टॉप वॉच या कैमरा। समय अध्ययन में जो है मुख्य रूप से स्टॉप वॉच विधि का प्रयोग किया जाता है, वहीं गति अध्ययन में कैमरे का प्रयोग किया जाता है। कैमरे के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कार्य किस प्रकार से कर रहा है, उसकी हरकतें या चेष्टाएं कर्मचारी की कार्य के दौरान किस प्रकार हैं। तो ये थे समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ, अगली चर्चा में हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि एक उपक्रम में वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया जाता है तो उसके क्या लाभ या उसके क्या महत्व हैं। तो जैसे स्वाभाविक है अधिक उत्पादन होगा, श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ने से उत्पादन अधिक से अधिक होता है, इसके अंतर्गत हम समय अध्ययन गति अध्ययन का अध्ययन करते हैं तो स्वाभाविक है उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। वहीं नंबर दो पर लागत में कमी, इसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन हैं मशीन हो गए, उपकरण हो गए, श्रम, इनका बेहतर हम उपयोग कैसे अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं वो करते हैं, तो स्वाभाविक है कि लागत में
कमी आती है, अपव्यय नुकसान कम होता है। तीसरा बिंदु है लाभ में वृद्धि। तो यहाँ पर जब लागत कम हो जाती है, उत्पादन अधिकतम से अधिकतम होता है, अपव्यय कम होने लगता है, तो स्वाभाविक है कि लाभ में भी वृद्धि होती है। चौथा बिंदु है प्रमापीकरण के लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत हम उपक्रम में उत्पादन रीतियों, मशीनों, उपकरणों, श्रम के प्रमापीकरण पर विशेष जोर देते हैं, तो जिससे उत्पादन जो है क्वालिटी पूर्ण होता है और अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर प्रमापीकरण के भी लाभ हमें प्राप्त होते हैं। श्रमिकों को लाभ, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य का जो बंटवारा है वो उनकी रुचि और इच्छा के अनुसार, प्रशिक्षण के अनुसार उन्हें दिया जाता है, तो श्रमिकों को रुचि के अनुसार काम मिलता है, कार्य दशाएं बेहतर होती हैं, समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होता है, साथ ही उनको मजदूरी भी उचित प्राप्त होती है। और अंतिम बिंदु है यहाँ पर समाज को लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से सामाजिक स्तर पर भी लाभ प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, उचित कीमत पर उचित वस्तुएं उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं, श्रम और प्रबंध के बीच में संघर्ष कम होता है, फलस्वरूप औद्योगिक विवाद में कमी आती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तो यहाँ पर हमने देखा वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ या उसके महत्व क्या हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की हानियाँ आलोचना, या तो स्वाभाविक है कि यदि कोई हम सिद्धांत या कोई व्यवस्था कुछ बेहतरी के लिए अपनाते हैं तो उसके कुछ बुरे पक्ष भी होते हैं जिनकी अक्सर आलोचनाएं होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचनाएं भी समय समय पर की गई। उसमें जो कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, श्रमिकों द्वारा आलोचना। यहाँ पर श्रमिकों के द्वारा ये पाया गया कि श्रमिकों के कार्य प्रमापीकरण के कारण उन पर कार्य का बोझ अधिक पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः यहाँ पर श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना की गई। वहीं दूसरा बिंदु शोषण को प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादन, अपव्यय में कमी, लागत में कमी होने पर भी श्रमिकों को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती, जिससे उनका शोषण होता है, अर्थात सारा लाभ जो है वो प्रबंध के खाते में चला जाता है, यहाँ पर श्रमिकों को प्राप्त नहीं होता। तीसरा बिंदु है स्वतंत्रता का हनन। यहाँ पर अत्यधिक श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण के कारण श्रमिक एक निश्चित दायरे में ही दखल कर सकता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर श्रमिक को जो कार्य दे दिया गया वही उस कार्य को करेगा, वहाँ पर जो है वो अपनी कोई अभिव्यक्ति नहीं प्रदान करता। चौथा बिंदु है कार्य में निरस्ता। चूँकि जो कार्य का नियोजन किया जाता है वो प्रबंध के द्वारा किया जाता है, अतः यहाँ पर सारे आदेश जो हैं वो श्रमिक को नियोजन विभाग से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का कार्य करने से श्रमिक को कार्य में निरस्ता आने लगती है। अगला बिंदु है अलोकतांत्रिक। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों से मनुष्य मशीन की भांति कार्य कराया जाता है, उसकी प्रत्येक गतिविधि पर प्रबंध का नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय अध्ययन गति अध्ययन के अंतर्गत जो है श्रमिकों पर बराबर नज़र रखी जाती है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि श्रमिकों से मशीन की भांति कार्य कराया जाता है, अतः उसका कार्य के प्रति उत्साह कम हो जाता है तथा कार्य को आगे बढ़ने के बढ़कर करने की उसकी जो पहल शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अगला बिंदु अंतिम है श्रमिकों की एकता के लिए हानिप्रद। यहाँ पर श्रमिकों की कार्यक्षमता एवं उसी के अनुसार वेतन मिलने से श्रमिकों की श्रेणी में श्रम विभाजन हो जाता है, इससे श्रमिक एकता में कमी आती है। अतः यहाँ पर जो श्रमिक संघ हैं, मजदूर संघ हैं, वे अक्सर यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध की व्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर हमने प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत हेनरी फ्योल के सामान्य प्रबंध के सिद्धांत और
एफ डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को हमने अभी तक अध्ययन किया। आइए यहाँ पर हम जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके विचार हैं, उनके बीच में आपस में क्या अंतर हैं या क्या समानताएं हैं, हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम उनका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। चूंकि टेलर और फ्योल दोनों ने ही प्रबंध शास्त्र के विकास में योगदान दिया है और स्वाभाविक ही दोनों समकालीन हैं, फिर भी दोनों की विचारधाराओं में निम्न अंतर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलर और फ्योल के बीच में जो अंतर हैं उनमें क्या क्या अंतर हैं। सर्वप्रथम है अध्ययन का केंद्र बिंदु। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक है, अर्थात एफ डब्ल्यू टेलर ने जो अध्ययन किया, जो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अपनाई, वो उन्होंने श्रमिक को ध्यान में रखकर बनाई। जबकि फ्योल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधन है, वहीं पर अध्ययन का क्षेत्र टेलर ने कारखाना स्तर पर वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया है, अर्थात यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कितना बेहतर से बेहतर उत्पादन हो सकता है, श्रमिक से कितना कार्य लिया जा सकता है, इस पर उन्होंने बल दिया है। जबकि फ्योल ने उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किया है, अर्थात उन्होंने जो है उच्च स्तर पर बेहतर हम व्यवस्थाएं कैसे बना सकते हैं, इस पर जोर दिया है। तीसरा बिंदु है व्यापकता। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया है, अर्थात श्रमिकों के द्वारा उनके उत्पादन को बढ़ाना, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, इस पर लक्ष्य उन्होंने बनाया हुआ है। जबकि फ्योल ने क्या किया है, संपूर्ण प्रशासनिक स्तर पर सुधार करके संपूर्ण उपक्रम द्वारा, जबकि फ्योल के विचारों को यहाँ पर सभी ने स्वीकार किया है। तो यहाँ पर फ्योल के जो विचार हैं वो अधिक व्यापक हैं। अगला बिंदु है प्रारंभिक बिंदु। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से कार्य कुशलता में वृद्धि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात वे यहाँ पर श्रमिक की उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उच्च स्तर पर लाभ की प्राप्ति अधिक हो। जबकि फ्योल उच्चतर से नीचे की ओर निर्देश व आदेश की एकता पर बल देते हैं, अर्थात वो उच्च स्तर पर प्रबंध की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं ताकि वहाँ से जो निर्देश और आदेश प्राप्त हों वो एक रूप में नीचे तक पहुँचे और उसके अनुसार कार्य की पूर्णता हो। नेक्स्ट बिंदु है क्रियान्वयन। टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक है, जिन्हें सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, जबकि फ्योल की विचारधारा को व्यवहारिक माना गया है और उनके सिद्धांत प्रशासन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि टेलर और फ्योल के विचारों में कुछ जो अंतर था वो तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हमने यहाँ पर अभी देखा। तो यहाँ पर देखा इस प्रकार से टेलर फ्योल के विचारों का गहनता से हमने अध्ययन किया, तो यहाँ पर ये पता चला हमें कि दोनों के विचार आपस में प्रतियोगी ना होकर परस्पर पूरक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके सिद्धांत आपस में एक दूसरे से मिलते भी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलर व फ्योल के विचारों में ऐसी कौन सी समानताएं थीं या पूरकताएं थीं जो हमारे सामने हैं। सबसे पहले दोनों ने ही कर्मचारियों के प्रबंध को महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर जो है टेलर और फ्योल दोनों ने ही जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो कर्मचारियों को लेकर ही बनाई हैं, तो यहाँ पर दोनों को महत्वपूर्ण माना है। साथ ही दोनों में ही प्रबंधकीय विकास के लिए वैज्ञानिक रीतियों एवं सिद्धांतों पर बल दिया गया है। यहाँ पर जो है प्रबंध की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने वैज्ञानिक रीति और जो सिद्धांत तय किए हैं वो उन पर मुख्य जोर दिया है। साथ ही दोनों के ही सिद्धांतों को लागू करके किसी उपक्रम का विकास किया जा सकता है, अर्थात हम किसी एक के सिद्धांत को लेकर जो है उपक्रम को विकसित नहीं कर सकते। यहाँ पर यदि हम दोनों के सिद्धांतों को लागू करते हैं तो निश्चित है कि उपक्रम को सफलता प्राप्त होगी। दोनों का मत है
श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक है, जिसके साथ उचित मानवीय एवं न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रमिक जो है वो उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, अतः आवश्यक है कि उसके साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, न्यायपूर्ण व्यवहार रखा जाए। अंतिम बिंदु है, दोनों ने ही प्रबंधकीय प्रक्रिया में नियोजन के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके पालन पर जोर दिया है। दोनों ये चाहते हैं कि प्रबंधकीय प्रक्रिया को जब अपनाया जाता है तो नियोजन के अंतर्गत जो क्रियाएं तय की जाती हैं उनके पालन को जोर दिया जाए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टेलर व फ्यूल प्रबंध शास्त्र जो हैं संबंधी विचार परस्पर प्रतिस्पर्धी ना होकर आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात हम उपक्रम में दोनों को सिद्धांतों को अपनाकर हम बेहतर से बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।